मौत और जिंदगी का है कितना फासला, हर कदम पे कोरोना तू कब कर दे हादसा। मैं कृष्णा मंसल फिल्म कलाकार एवं गीतकार, पिछले 30 साल से ऊपर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। 200 से ऊपर फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में मैंने, कोई हीरो बचा नहीं, विनोद खन्ना, सत्तू सिन्हा, महमूद, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान, आमिर खान, मकई कोई बचे नहीं जिनके सामने मैंने काम नहीं किया। हम टू मच टैलेंटेड फुटपाथ के एक्टर मजबूरी में छोटे मोटे रोल करते हैं ताकि एक दिन बहुत बड़े हम भी स्टार बन सके। हमारा भी पैशन है हम कि एक दिन हमारे सपने साकार होंगे। एक काम ऑलरेडी हमको बड़ी मुश्किल से मिलता है, अगला काम कब मिलेगा उसका पता नहीं। ऑलरेडी समस्या से जूझ रहे थे क्योंकि टू मच टैलेंट जो फुटपाथ के एक्टर उनको जल्दी जल्दी काम नहीं देता क्योंकि मौका सिफारसी लोग उड़ा लेते हैं। अब तो लॉकडाउन की वजह से अगला काम कब मिलेगा उसकी तलाश भी हम नहीं कर सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते। खाने पीने की समस्या और किरायेवाड़ी की समस्या बहुत हो चुकी है। अपने कुचले हुए अरमानों के पन्नों पर अपने दर्द और गम की स्याही, अपने उपने हुए जज्बात की कलम, अपने तड़पे हुए आंसू जो अक्सर लिखता हूँ, फटे हुए कप्पन पर जो किताब है यारो, वही तो टू मच टैलेंटेड एक्टर और गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर का सबका यही इतिहास है। ये शेर मैंने बहुत साल पहले लिखा था। आप प्लीज हमारे, हम जो छोटे मोटे रोल करते हैं बड़े बड़े एक्टरों के सामने, जिनकी बदौलत हम जैसे बड़े बड़े एक्टर बनते हैं, अगर हम उनके सामने एक्टिंग करें वो डायलॉग कैसे बोलेंगे। उन बड़े बड़े कलाकार और हमारे प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ध्यान दीजिए, हम अनऑर्गेनाइज है। हम डेली वेज के, वो भी ऑलरेडी हमको एक दिन का काम मिलता है, 3-4 महीने में उसका पैसा मिलता है, अब तो वो भी मिलना मुश्किल है। ध्यान दीजिए, हम इस देश की धरोहर हैं, हम इस देश के कल का भविष्य है। हम लेखक, अगर लेखक, कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर, एक्टर नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा। हम लोगों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, प्लीज दीजिए। ये दौलत, ये शोहरत किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, ये दौलत, ये शोहरत किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ऊपर वाले ने कहा जिसमें दम है आके ले जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिए, हम जैसे बड़े बड़े आने वाले समय के कलाकार हैं हम।